नमस्कार, स्वागत है आप सबका कंचन टीवी पर। यशपाल कंचन मेरा नाम है। नगर पालिका सफीदों में हम हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं। कैमरामैन को कहूंगा वो दिखाए। नगर पालिका सफीदों के प्रांगण में हम खड़े हैं और यहाँ पर एक आविष्कार किया जा रहा है। जी हाँ, एक देसी आविष्कार किया जा रहा है। सैनिटाइजर मशीन बनाई जा रही है। जो भी साधन उपलब्ध थे, जो संसाधन नगर पालिका में उपलब्ध थे, उन्हीं से ही यहाँ पर सैनिटाइजर मशीन बनाई जा रही है। क्यों बना रहे हैं, किस लिए बना रहे हैं, किन का दिमाग इसके पीछे है, वो सब जानने के लिए हम पहुंचे हैं। बात करना चाहेंगे नगर पालिका के सचिव है हमारे साथ बात करने के लिए। सर नमस्कार, कंचन टीवी स्वागत करता है आपका। धन्यवाद जी, आपका बहुत बहुत। जानना चाहेंगे आज ये किस तरह की मशीन आप तैयार कर रहे हैं। ये कोरोना वायरस से लड़ने के लिए जो मेरे कर्मचारी आते हैं डेली, उन्हें सैनिटाइज करने के पर्पज से हम इसकी ट्रायल बेसिस पे कोशिश कर रहे हैं जी। और एक मशीन जो है, हम जो हमारी सब्जी मंडी है, जो अब नई अनाज मंडी में लग रही है जी, एक वहां पर हम तैयार कर रहे हैं इस पर्पज के लिए जी, जी, जी। ताकि जो भी लोग सामान लेने आए तो उनकी इसमें सैनिटाइजेशन हो सके और ये आगे किसी के ऊपर ना फैले, संक्रमण से बचे, संक्रमण से बचाने के लिए जी। तो जानना चाहूंगा ये आदेश आपको ऊपर से मिले हैं या आप स्वेच्छा से ये सब करा रहे हैं। देखिए, ये आदेश मुझे उपायुक्त महोदय की तरफ से मिले हैं जी। मशीन तैयार करने के लिए उन्होंने आदेश दिए हैं कि एक मशीन तैयार करवाई जाए इस तरीके से, और उन्होंने पूरी डिस्ट्रिक्ट के लिए कहा है जी। नगर पालिका में ये एक ट्रायल बेसिस पे है, ये अलग है और वो मशीन अलग है, क्योंकि हमें अभी सोर्सेज पूरे नहीं मिल रहे हैं क्योंकि लॉकडाउन की वजह से जी। तो ये एक ट्रायल है अभी फिलहाल इसके लिए। तो कितनी संभावनाएं मानी जा सकती हैं वो कामयाब हो पाएगी। देखिए, इसमें सॉल्यूशन तो हमारे पास वही है जो हम सैनिटाइज कर रहे हैं, सोडियम हाइपोक्लोराइड सॉल्यूशन जो है उसको यूज़ कर रहे हैं जी। सेकेंडली इसमें यह है कि इसका जो प्रेशर रहेगा उसमें ये 6 हमने पंखे लगवाए हैं जी। अगर ये कामयाब हो जाती है यहाँ पे तो फिर शहर की जो मेन एंट्रेंसेज हैं वहाँ पे हम इनका उपयोग करेंगे और मशीन जो है वो अल्टरनेट हम तैयार करवा रहे हैं। परमिशन हमने ले ली है SDM साहब से मूवमेंट के लिए मटेरियल, ताकि हम खरीदवा सकें और वो मुझे लगता है कि शाम तक या कल तक हम तैयार करवा पाएंगे उस मशीन को, उसका भी हम कल ट्रायल ले लेंगे जी। जैसे कि ये मशीन देखी जा सकती है, वो सर से लेके पांव तक फुहार डालेगी, तो क्या उस वक्त आंखों में अगर वो केमिकल जाता है तो क्या वो नुकसान कर सकता है बॉडी को। देखिए, उसके लिए हम अपना जब भी इसमें मशीन में से कोई गुजरेगा उसे गुजरने से पहले कर्मचारी की ड्यूटी लगाई जाएगी जो ये बताए कि अब जो भी व्यक्ति इसमें से गुजरे, कर्मचारी गुजरे या अधिकारी गुजरे, तो वो अपनी आंखों को बंद करके रखे, और क्योंकि इसमें से बाइक भी गुजर सकती है, गाड़ी भी गुजर सकती है, तो उस चीज़ का भी हम ध्यान रख रहे हैं, तो इसीलिए हाइट भी की गई है। जी जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद जी। अभी जो यहाँ पर लगे हैं हमारे साथ हैं, जो इस सारी मशीन के कर्ता धरता है, उनसे हम जानेंगे। क्या नाम है आपका। नमस्कार जी, मेरा नाम भजन सिंह है। हरभजन जी, हरभजन जी, इस मशीन को कौन तैयार कर रहा है। मशीन तो पहले ही तैयार है जी, और इसका जो स्प्रे जो सोनो बनाएगी है जी, ये बहुत ही सुंदर हमने पहले चेक किया है जी। और पहले शादियों में आपने देखा होगा जिस टाइम भी लगी होती थी तो उस टाइम भीड़ होती थी और बिल्कुल एक ऐसा माहौल बना देती है कि इससे आगे से हटने का जी नहीं करता जी। और वही अब हम सैनिटाइज करके और लोगों को सैनिटाइज करेंगे, जो हमारे कर्मचारी आते हैं सुबह सुबह उनको भी हम सैनिटाइज हो जाएंगे, सभी जो भी नगर पालिका में आता है उसका भी विशेष ध्यान। और कोरोना से लड़ने के सबसे बढ़िया तरीका हमारा, हमने जो याद किया है ये सबसे बढ़िया है। मैं चाहूँगा मेरे दर्शकों को आप बताएं वो कैसे वर्किंग करेगी। ये अभी गोल घूमेगी, इसमें जो पानी आएगा वो सोनो बनाएगा, बिल्कुल भाप की तरह जैसे हम भाप होती है वैसे बनाएगा। और दोनों अब जैसे भी कोई पैदल आएगा तो उसको हाथ खड़े करके सैनिटाइज होके और आगे जाए और अपना बचाव करें। जैसे कि हाइट है इसकी, आंखों से बचाने के लिए क्या उसको आंखें बंद करनी पड़ेगी। हाँ, आंखें बंद करके निकल जाए, वैसे आंखों पे आएगा नहीं, सीधे गुजरेंगे तो आंखों पे नहीं आएगा। तो क्या लगता है आपको कितना परसेंट कामयाब रहेगा आपको। बढ़िया कामयाब रहेगा, कामयाबी ही है। तो
यहाँ के बाद फिर आप सब्जी मंडी के लिए जाने वाले? बिल्कुल, सब्जी मंडी के लिए हम दूसरा प्रोजेक्ट तैयार कर रहे हैं और उसमें बिल्कुल फुहार प्रोजेक्ट ऐसा है कि एक रूम के तरह है वो तैयार किया जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, मैं दर्शकों को भी दिखाना चाहूंगा यहाँ पर जो जो भी कार्यालय में, जो नगर पालिका में जो भी वेस्ट चीजें पड़ी थी, आप देख सकते हैं एक स्टैंड है, स्टैंड के ऊपर जो पंखे होते हैं शादियों में आपने देखा होगा, वो पंखे लगाए गए हैं। लिक्विड, जो लिक्विड सोल्यूशन सेक्रेटरी साहब ने बताया, वो तो इसमें डाल ही दिया जाएगा और ये अपना वर्किंग करेगा और तब ये बहुत अच्छा काम करेगा। कहा जाता है कि बहुत सारी चीजें हमारे पास हो तभी हम कामयाबी कर सकते हैं या आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन नगर पालिका सफीदों ने इस कहानी को चरितार्थ कर दिया कि अगर आपके हौसलों में उड़ान हो तो पंखों की भी आवश्यकता नहीं। यहाँ पर इनके पास संसाधन ना भी थे तो इन्होंने हार नहीं मानी, फिर भी इसके लिए अच्छा काम उन्होंने करके दिखाया और अगर ये कामयाब होता है तो पूरे जिंद जिले में ये अपना मॉडल भेजने को तैयार बैठे, क्योंकि डीसी साहब का ऐसा आदेश आया है। तो हमारा भी फर्ज बनता है कि हम इस तरह लॉकडाउन में, इस महामारी के दौर में कोई भी अच्छा काम अगर करता है तो उसको अप्रिशिएट करे, उसको बढ़ावा दे, प्रोत्साहित करे, ताकि लोगों को प्रेरणा मिले, वो भी कुछ अच्छा करने के लिए प्रेरित हो। यही हमारा काम है और यही कंचन टीवी का उद्देश्य है। हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और कमेंट करके हमें बताइए कि हम कैसा काम कर रहे हैं, ताकि हमारा हौसला बढ़े और अच्छा काम करने के लिए हमें प्रेरणा मिलती रहे। तो बने रहिएगा कंचन टीवी के साथ। कैमरामैन सहयोगी संदीप बहुत के साथ मैं यशपाल कंचन।